ठीक है, व्हाट्स योर नेम? शाहिद। शाहिद वेयर आर यू बेस्ड आउट ऑफ? सर, आई एम फ्रॉम कारवार सर, करंटली लिविंग इन बेंगलोर। आई एम लुकिंग फॉर एनी अपॉर्चुनिटीज इन डिज़ाइन डोमेन। ओके, एंड व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस? सर, आई एम अ फ्रेशर। आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रेवा यूनिवर्सिटी बेंगलोर। रेवा यूनिवर्सिटी बैंगलोर। यस, ओके, व्हेन डिड यू पास आउट? 2022 सर, नवंबर 2022। 22। यस एंड तब से क्या कर रहे हो आप? सर, एक्चुअली मैं इधर महाराष्ट्र में एक कंपनी है मौर्या ग्लोबल करके सर, उधर पहले तो मुझे क्वालिटी में इंटरव्यू लिया गया था। उसके बाद में शायद उन्होंने बाद में मेरा पूरा बैकग्राउंड चेक किया तो उनको पता चला कि मैं कर्नाटका से हूँ। तो फिर मुझे कॉल करके बताया कि तुम क्वालिटी में नहीं काम कर सकते, पहले नीचे काम करना पड़ेगा, ऐसा भी होता है क्या? इज देयर क्योंकि सम काइंड हाँ, देर ऑफ? इज सम इश्यूज बिटवीन देम हाँ, दिस बोथ स्टेट्स, दैट्स व्हाई। ओके, आई डिडंट नो दैट। वेरी गुड। सो क्वालिटी में यू डिड दैट एंड नाउ यू वांट टू शिफ्ट इनटू डिजाइन। यस सर। व्हाई व्हाई डू यू वांट टू शिफ्ट इनटू डिजाइन? सर, आई जस्ट बेसिकली हैड अ इंटरेस्ट इन डिज़ाइन टू डू, बट ड्यू टू सम इश्यूज इवन आई वाज नॉट सो मच कंफर्टेबल इन सो मच कॉन्फिडेंस अबाउट माय सॉफ्टवेयर, लाइक हाउ आई कैन डू। सो आई वाज जस्ट नर्वस, सो आई ट्राई टू गो इन अदर वे, देन फाइनली आई फाउंड आउट दैट आई कैन लर्न एंड आई कैन डू दिस, सो आई जस्ट शिफ्टेड सर। आई वॉन्ट टू डू माई करियर इन अच्छा, यू डिज़ाइनिंग। शिफ्टेड स्पेसिफिकली हियर टू लर्न डिजाइन ना? यस सर, बिल्कुल। आई वॉज जस्ट प्लानिंग टू कम टू फरीदाबाद एंड ओह ओके, तब या तो बैंगलोर। पास है ना ये आपके? दिस इज हाँ क्लोजर, मच क्लोजर। या बट स्टिल सिक्स विच हंड्रेड लैंग्वेजेस प्लस डू यू नो? हिंदी, इंग्लिश, कन्नडा, कन्नड़ यू कोंकणी। नो? कोंकणी ऑल्सो यू नो? एंड नो नो वर्क एक्सपीरियंस? हाउ मच टाइम डिड यू वर्क? क्वालिटी में कराई नहीं? स्टार्ट नहीं सर, जस्ट एज ए हेल्पर रखा था उन्होंने मुझे नीचे। बीटेक का तो यू कांट वर्क एज ए हाँ, हेल्पर ना? तो फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं, वो तो 10th वाले भी कर लेंगे, और तू इधर आजा। इंटर्नशिप? सर, इंटर्नशिप तो वर्चुअल था, क्योंकि जब इंटर्नशिप हमारे कॉलेज में क्या होता है कि जब हम लोग फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं तो उधर से ही करना पड़ता है, इट इज़ लाइक अ समर ट्रेनिंग टाइप ऑफ थिंग, तो इसमें वहाँ से पैसे तो लिया नहीं ले लिए था। थे आपसे? नहीं नहीं सर, पैसे नहीं ओके, लिए। ऑल राइट, ठीक है। सो आई विल आस्क यू टेक्निकल क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू जस्टिफाई द गैप। अब अ या गैप है, नवंबर से ऑलमोस्ट नेक्स्ट नवंबर आने वाला है। जी व्हाट वर यू डूइंग इन दैट टाइम? सर, आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर जॉब। आई वॉज हियर इन बेंगलोर फॉर 1 to 2 months लुकिंग फॉर जॉब। वेयर डिड यू अप्लाई फॉर? आई डिड अप्लाई इन टोयोटा दैट साइड एंड अनदर वन कंपनी वॉज देयर, दे आर हायरिंग फॉर ERP सिस्टम, बट आई डिड नॉट गॉट दैट्स सेलेक्टेड। बिजनेस डेवलपमेंट रोल हो गया ना, वो तो या बिल्कुल ही बेकार हो गया। ऑल राइट, सी मैकेनिकल में आई कैन आस्क यू ऑल काइंड्स ऑफ टफ क्वेश्चन। थिंग इज दैट यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग प्रॉपरली। अभी जैसे भी क्या हुआ आपका कंप्लीट आरबीएम कैट पे? ऑटो RVM कैट में तो सर 1 हफ्ता ही हुआ है, अभी 5 दिन कैट हुए मस्ट बी ऑटो गोइंग कैट में। ऑन। चलो लेट मी गिव यू अ सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ओके, बेस्ड ऑन रीडिंग हाउ अ ड्रॉइंग वर्क्स। सो दिस इज अ टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द साइड व्यू, ओके, मेक मी द फ्रंट व्यू एनीवेयर। दिस इज द साइड व्यू। दिस इज द टॉप व्यू। फ्रंट व्यू। नहीं यार, ये क्या बना दिया? फ्रॉम दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द साइड व्यू, आई नीड द फ्रंट व्यू। यार गोल ऑब्जेक्ट है, एनी वेयर यू लुक एट इट विल लुक द सेम ना, यस सर, तो इट विल बी द सेम। तो या इट विल बी, यस वो क्या बना दिया फिर आपने? सेम तो रहेगा, सर, सॉरी, एग्जैक्ट सेम। या इट्स अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट यस सर, है ना। GD&T आता है आपको? कुछ पढ़ा है GD&T के बारे हाँ में? सर, थोड़ा बेसिक पढ़ा। GD&T होता ही बेसिक है, यू कांट गो बेसिक इन GD&T ऑल्सो ना। वट इज द फुल फॉर्म? सर, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग टॉलरेंस वेयर इज इट यूज? सर, इट इज यूज इन इंडस्ट्रीज वेयर कम्युनिकेशन फॉर द इंजीनियर्स इन द ड्राइंग इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस, वी कैन अंडरस्टैंड इफ एनी ड्राइंग कैन बी रीड बाय यूजिंग दैट टेक्निक। एंड व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉलरेंसेज आर देयर? टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डज टॉलरेंस मीन? सर, टॉलरेंसेज जनरली इट इज अ वेरिएशन बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट फॉर अ प्रोडक्ट टू बी डिजाइन। जरूरी है डिजाइन टॉलरेंस? तो कुड बी फॉर एनीथिंग। यस टेम्परेचर का सर, भी टॉलरेंस होता है? यस सर, टेम्परेचर इज नॉट अ प्रोडक्ट। यस एक्जेक्टली तो व्हाट इज देन टॉलरेंस? सर, इट इज जस्ट फॉर एनी ऑब्जेक्ट, फॉर
फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू मैन्युफैक्चर देयर शुड बी सम लिमिट्स सर. आप मैन्युफैक्चरिंग के उससे ही सोच रहे हो ना, यू आर स्टक एट मैन्युफैक्चरिंग. टॉलरेंस इज द डेविएशन ऑफ एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी एनीथिंग. टॉलरेंस तो होता ही है ना जी. हाँ, टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ हिंदी में? अगर लाइक लेट्स से इफ प्रोडक्ट, लेट्स से प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, वेरी लो टॉलरेंस प्रोडक्ट, व्हाट डज दैट मीन? सर अगर कोई प्रोडक्ट को बनाना होगा तो उस जो टॉलरेंस दी हुई है, सपोज इट इज 0.0 0.1 mm और 0.01 mm, अगर उसका एक्चुअल साइज अगर 20 होगा तो हमें उसको अगर प्लस या माइनस में करना होगा तो 20.01 होगा, अगर उसको लोअर लिमिट में करना होगा तो 19.99 होगा. चलो लेट्स सपोज आई हैव टू मेक अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली लो टॉलरेंस प्रोडक्ट. सब व्हाई आर पीपल नॉट मेकिंग लो टॉलरेंस प्रोडक्ट? सारे लोग क्यों नहीं, यू नो, सब 0.0001 की टॉलरेंस क्यों नहीं रखते हर चीज में? सर ये तो इतना पॉसिबल नहीं, प्रिसीजन नहीं रहेगी. मतलब व्हाई, व्हाट इज प्रिसीजन का क्या मतलब होता है सर? एक्यूरेसी को, प्रिसीजन और एक्यूरेसी आर टू डिफरेंट थिंग्स. डिफरेंट थिंग्स. व्हाट आर द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? सर एक्यूरेसी इज समथिंग वी कैन एक्चुअली have the exact exact measurements sir. But precision I'm not able to recall. Okay, पढ़ लेना घर जाके. What is the difference between accuracy and precision? Okay, so GD and T में tolerances कितने type के होते हैं? Different types of tolerances. Sir, इसमें तो unilateral और bilateral tolerances. और ये दो के बारे में ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस जो होती है, हाँ, फॉर्म ज्योमेट्रिकल में फॉर्म होता है, फॉर्म होता है, प्रोफाइल होता है. फॉर्म टॉलरेंसेस बताओ दो तरीके की मुझे. हाँ, फॉर्म स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस. फ्लैटनेस का सिंबल बनाओ. ओके, और वैसे मैकेनिकल लाइन में किस चीज में इंटरेस्ट है आपको? आगे काम करना है, व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री डू यू वांट टू वर्क इन? सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. बताओ डीजल और पेट्रोल इंजन के बीच फर्क बताओ. सर डीजल इंजन में तो सर जो इग्निशन होता है वो एयर कंप्रेस करने की वजह से होता है. एयर सॉरी इसका इसमें सर डीजल इंजन में स्पार्क प्लग यूज होता है. डीजल इंजन में स्पार्क प्लग यूज होता है. इसमें पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग यूज होता है और डीजल इंजन में सर एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो कंप्रेस होने के बाद इग्नाइट होता है. कंप्रेशन से जलता है. कंप्रेशन से जलता है. तो अगर मैं डीजल इंजन जो है, Which engine has more torque, diesel or a petrol engine? Manufacturing processes के बारे में बताओ. What is the latest manufacturing process today? What is casting? Sir, casting is a process in which the material is completely made into liquid form, then we put it into cavity. तो वो casting, तो वो तलवारें जो बनती थी वो casting से तो बनती थी, तो तुम latest कैसे कह रहे हो उसको? Latest क्या है आजकल? 3D printing नहीं है latest? Sorry. 3D printing. 3D printing. क्या होता है? What is 3D printing? सर उसके बारे में उतना आइडिया नहीं है. कुछ भी आइडिया नहीं है? बट ऐसे ये देखा है, बट आइडिया ये नहीं है सर. चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पता है कुछ आपको? नहीं सर. कुछ भी नहीं पता? नहीं फिलहाल. पढ़ो ना ये सब चीज़ें, यू नीड टू नो अबाउट दीज थिंग्स. यस सर. ये पढ़ोगे तभी तो कुछ होगा. जी मैं ही भूल गया क्वेश्चन तुम, बिकॉज आई आस्क्ड यू थिंग्स ऑलरेडी ना. चलो तो सबसे पूछा मैंने क्वेश्चन, टेल मी एक माइक्रोन जो होता है, एक सेंटीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? एक सेंटीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? सेंटीमीटर इज ऑफ कोर्स तो 25.4 mm. कहाँ से आ गया? वन सेंटीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? हाँ सर, बिकॉज वन mm इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रोन. हाँ, सो 1000 इनटू 25.4. वो इंच है भाई, तुम कहाँ पहुंच गए? सेंटीमीटर में तो 10 हो गया. हाँ, 10,000. फालतू में कंफ्यूज हो रहे हो तुम. सॉरी सर. 10,000 हो गया. एक इंच में कितने एमएम होते हैं? एक इंच में 25.4. हाँ, इंच में पहुंच गए अपने आप. ठीक है, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर. अभी कैट तो ठीक चल रहा है ना? जी सर. यू डू दैट, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यू नीड टू बी वेरी गुड एट दैट. ठीक है जी. ठीक है, ओके, थैंक यू.